हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम sharefic.in। बैंक निफ्टी के डेली प्रिडिक्शन में मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बैंक निफ्टी और ऊपर कितना जाएगा या डायरेक्ट जाएगा या थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, इन सारे चीज़ों को हम ध्यान देंगे। सो बैंक निफ्टी हैज़ गिवन ए क्लोजिंग नियर टू 44,747। सो ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन के अनुसार बैंक निफ्टी शुड मूव अराउंड 45,000, ठीक है, 45,100 तक का भी हमें प्रिडिक्शन दिख रहा है। बट ये अगर कल ऊपर खुलता है तो हो सकता है यहाँ पे स्पेस कम हो और इट कैन टच नियर टू 45K एंड देन इट विल रिट्रेस। सो अभी जैसे ये पैटर्न हमें दिख रहा है यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ टच होने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट दिखे और एक कंसोलिडेशन के बाद एक ऐसा पैटर्न बनने का चांसेस हो सकता है बैंक निफ्टी में एंड देन इट शुड मूव फर्दर अप। ठीक है, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट कैन हैपन, बट ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी विल डू फॉर मंडे एंड फॉर द कमिंग वीक, अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुले डायरेक्ट थोड़ा वेट करेंगे एंड देन इन इंट्राडे आई विल मूव टू द 15-मिनट चार्ट एंड इंट्राडे में सपोर्ट जो मिलेगा फर्स्ट सपोर्ट विच विल बी अराउंड दिस ब्रेकआउट, जो क्लोजिंग है हमारा उसी के ऊपर। तो अगर ऊपर खुलता है तो ये एक सपोर्ट मिलेगा हमें एंड अपसाइड इट इज अराउंड 45,100 के तरफ हमें दिख रहा है डायरेक्ट। 44,780 इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड देन वी विल बी हैविंग द सेकेंड सपोर्ट विच इज अराउंड 44,670। सो दीज आर दी लेवल्स which we need to consider and do the trade according to the movement on the bank nifty, okay? So market ऊपर खुला, मान लो कि अगर ये trend line के पास खुला तो 100% एक नीचे retracement होगा and then you need to wait for the retest again and then in second half or from the Tuesday we may see some consolidation। तो Monday के move के बाद हो सकता है Tuesday and Wednesday हम थोड़ा consolidation दे सकते हैं, जैसा हमने daily chart में ये pattern हमने देखा है। तो वी नीड ए कंसोलिडेशन टू मेक दिस पर्टिकुलर शोल्डर। 44,780 इज द सपोर्ट एंड देन 44,680 इज द सपोर्ट ऊपर में खुलने के बाद, अगर 45,000 को टच करता है तो 44,800 वुड बी द न्यू सपोर्ट। एक मूव हाई के पास जाने के बाद उसके बाद से वापस आप पुट में ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मुझे नहीं लगता है कि आपको पुट में ट्रेड करना चाहिए और यू नीड टू लुक टू दी बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, ओके? एंड फिर हम इस पैटर्न के बारे में सोचेंगे फ्रॉम ट्यूसडे एंड देन विल ट्राई टू सी द बैंक निफ्टी नियर टू दिस लेवल्स एंड देन अगेन इट हैज टू मूव बैक टूवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई, ओके? सो डेटा को देखते हैं, 44,700 लेवल इज द की लेवल नाउ बिकॉज इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है। सो व्हाट वी कैन सी इन द डेटा दैट पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इनफैक्ट पुट राइटर्स वॉज एग्रेसिव ऑन द फ्राइडे एट दिस पर्टिकुलर लेवल सो दैट बैंक निफ्टी एबल टू होल्ड 44,700। सो अबव दैट 44,800 लेवल पे एंड 44,900 लेवल पे पुट राइटर्स अवेलेबल हैं 24 लाख एंड 24 लाख ईच एट 44,800 एंड 45,000, राइट? सो अगर ये बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है फॉर एग्जांपल 44,850 या 44,900 के आसपास, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से जो 44,500 के लेवल पे 24 लाख कॉल राइटर्स बढ़े हैं, यहाँ से कवर हमें दिखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर कॉल कवर हुआ है वैसे यहाँ पे कवर दिखने मिलेगा। 44,500 से कवर हुआ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी कैन होल्ड अबव 44,850, ओके? एंड देन वी कैन सी बैंक निफ्टी अराउंड 45,000 एंड देन उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। तो ये रेजिस्टेंस डेटा के अनुसार आपको 44,800 एंड 45,000, तो पहला रेजिस्टेंस 44,800, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कल ओपनिंग कहाँ होता है, इसके ऊपर होता है या इसके नीचे होता है, ये हमें ध्यान देना होगा। अगर इसके नीचे होता है तो आपको थोड़ा वेट कर नीचे में ये देखना है 44,500 पे जो 24 लाख है यहाँ से कॉल कवर हो रहा है कि नहीं, माइनस में यहाँ पर चेंज इन ओआई आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है देन डेफिनेटली निफ्टी बैंक निफ्टी शुड मूव फर्दर अप, एक थोड़ा पॉज लेकर हो सकता है फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड बनाना चाहिए मंडे को।
So that's all from my side on Bank Nifty. Meet you again on Monday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of yourself. Jai Hind.